हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनली एसएससी। आज देखेंगे 26 अक्टूबर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आए हुए जीके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री बैंड एफएम ब्रॉडकास्ट रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे ने एफएम ब्रॉडकास्ट को बैन कर दिया है अपने कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश मद्रास? तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस डे। मद्रास को किसने एस्टेब्लिश किया था? फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन इन केमिस्ट्री? जो रिडक्शन होता है उसको क्या होता है? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था पहले बहुत वीडियो में। और ऑक्सीडेशन होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो इसका आंसर जहांगीर। जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी पहला अपना फैक्ट्री स्थापना किया गया 1600 में सूरत के अंदर, और जहांगीर ने ही परमिशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? इसका सिंपल क्वेश्चन, मीटर होगा इसका, एसआई यूनिट लेंथ का मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ द बुक एग्जाइल ए मेमोर? इसका आंसर तस्लीमा नसरीन, ये बांग्लादेशी ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसका आंसर होगा क्रिकेट। और क्रिकेट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं उसको मैंने पूरा दे दिया, जैसे दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रोहितन बारिया ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ बॉडी इफेक्टेड बाई डिजीज पायरिया? तो इसका आंसर होगा टूथ एंड गम होता है, इसे गलत लिखा गया है, टूथ एंड गम, जो पायरिया जब होता है तो टूथ और गम इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 रिलेटेड क्वेश्चन था, आर्टिकल अनुच्छेद 17 से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन इंक्लूडेड अमंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 17, मतलब अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने फंडामेंटल राइट है 17 के अंदर, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है आर्टिकल 17। और 14 से 18 आप लोग जैसे जानते हैं कि 14 से 18 फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? तो नीति आयोग इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टेचुरी बॉडी, रेदर इट हैज़ बीन फॉर्म बाय ए कैबिनेट रेजुलेशन, और ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टेचुरी बॉडी है नीति आयोग, ये कैबिनेट के रेजुलेशन से पास किया गया है बीजेपी द्वारा, जो नरेंद्र मोदी है वो प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाए हैं, तो इसको एडवाइजरी बॉडी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर सेंट हेलेना वेलकन लोकेटेड? इसका आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चेन्नई विच कंट्री ओपन इट्स कॉन्सुलेट? कॉन्सुलेट मतलब होता है दूतावास, तो कौन सा अभी हाल ही में चेन्नई में अपना अपना दूतावास खोला है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हैज ओपन इट्स ऑनरी कॉन्सुलेट इन चेन्नई, द कॉन्सुलेट विल कवर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, इट विल हेडेड बाई वेल नोन बिजनेसमैन सूरज शांता कुमार, दिस ईयर मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड शिफ्ट में देख लेते हैं क्या आया था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इन विच रिवर हरप्पन सिविलाइजेशन वाज? तो इसका आंसर है इंडस रिवर, इसलिए इंडस सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्टार्टेड प्लेइंग टू पेइंग वहाँ पे गलत लिखा है, सॉरी इसके लिए, पेइंग टू किस देश में अनएम्प्लॉयड पीपल को सरकार, वहाँ की सरकार पैसा देती है, सैलरी देती है? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट बर्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर फाल्कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम लेटिट्यूड? तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम लेटिट्यूड कितना होता है? 90 डिग्री होता है, वो कहाँ पे होता है? पोल पे होता है। और मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस इज ओल्डेस्ट? तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सन रिलीजेज एनर्जी बाई विच प्रोसेस? तो सन रिलीज करता है न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी को,
Nuclear fusion converts the hydrogen atoms into helium. The byproduct of nuclear fusion in the sun's core is a massive volume of energy that gets released and radiates outward toward the surface of the sun and then into the solar system beyond it. Next question, a country has most poverty people because कंट्री में पॉवर्टी होता है क्योंकि तो ऑप्शन दिया था इनइक्वालिटी एजुकेशन अनएजुकेशन और सी भी कोई ऑप्शन था तो इसका आंसर होगा ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन फाउंडर ऑफ आईसी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट तो इसका आंसर होगा जैक कैल्बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच लैंग्वेज फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन तो इसका आंसर मलयालम. जो फर्स्ट अवार्ड गया था ज्ञानपीठ 1965 में जी शंकरा कुरुप को वो मलयालम लिटरेचर के लिए मिला था और फर्स्ट शिफ्ट में आया था. फर्स्ट वुमेन किसको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड तो आशापुरम को मिला था 1976 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल महावीर का ओरिजिनल नाम क्या था तो वर्धमाना. उनका जन्म कब हुआ था तो 1600 BC में हुआ था वैशाली जिला जो बिहार में पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो इसका आंसर होगा बिक्यूरल. इसको बिक्यू भी कहते हैं लिखते हैं बिक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो गेम तो मैंने पहले ही बताया थे ये भी तो इसका आंसर हो सेवन होते हैं वाटर पोलो में. अपोलो अगर केवल पूछे तो उसमें चार होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्विमिंग रिलेटेड विच लॉ ऑफ न्यूटन मतलब स्विमिंग जो है न्यूटन के किस लॉ से संबंधित है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज गिवेन टू सी वी रमन फॉर विच वर्क तो द नोबेल प्राइज जो नोबेल प्राइज मिला था सी वी रमन को फॉर द वर्क ऑन स्केटरिंग ऑफ लाइट जो स्केटरिंग ऑफ लाइट पे उन्होंने वर्क किया था उसके लिए मिला था नोबेल प्राइज और उन्हीं के नाम पे ये इफेक्ट भी कहते हैं रमन इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बुक लीलावती रिलेटेड टू इसका आंसर मैथमेटिक्स. किन्हें किन्होंने लिखा है लीलावती बुक को तो भास्कर टू ने. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए उसको जाके कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं. तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. जो भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.